हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम लेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, कुछ ले लिए हैं, कुछ बाकी है, आज पूरे कर देंगे। ठीक है, तो आज जो न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 से, बाकी कर चुके हैं हम। ठीक है, 10 और 11 कर चुके हैं और 18 से आगे भी कर चुके हैं, बीच के जो बाकी है 12 से वो अब कर रहे हैं। तो 12th वाला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या लेके रखा है। हमें निकालना है कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। विस्कस फोर्स निकालना है, ठीक है, एफ वी एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप। ठीक है, डायमीटर देके रखा है उसका डी 1 mm। अगर डायमीटर 1 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा फिर 0.5 mm, आधा। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं 5 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, आगे फॉलिंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 m/s, वेलोसिटी दे के रखा है उसका फॉल होने का 2 m/s, करेक्ट है। थ्रू एयर, एयर फ्लूइड है, एयर में से आ रहा है वो। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, दे के रखा है उन्होंने 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही। ठीक है, हमें विस्कस फोर्स निकालना है। क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, रेन ड्रॉप क्या है, एक बॉडी है, नीचे आ रही है वाटर, एयर में से आ रही है। ठीक है, तो उस बॉडी पे लगने वाला विस्कस फोर्स निकालना है। तो विस्कस फोर्स का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, स्टोक्स लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 πe·rV। सारी चीजें हमारे पास है तो डायरेक्ट निकालो, 6 πe· देके रखा है, 1.8 × 10⁻⁵, आर देके रखा है 5 × 10⁻⁴, और वी देके रखा है 2 m/s। जैसे 2π, 4π की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। देखो पाई होता है 3.14, 2π होता है 6.28, 4π होता है 12.56, वैसे ही 6π होता है 18.85। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और बाकी आगे क्या हो जाता है, इंटू 1.8 × 5 − 10 × 10⁻⁴ − 5 × 2 = 10, ये 1.8 और 6π का क्या होता है 18.85। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 18.85 × ये 1.8 × 10 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, × 10⁻⁹। अभी क्या करेंगे हम, इसका तो मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर हमारा आता है 339.3, ठीक है, 339.3 आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, × 10⁻⁹ फोर्स है। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो 3.393 × 10⁻⁷ हो जाएगा, और विस्कस फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये −7 क्यों, ये पॉइंट को दो घर इधर ले गया है। ठीक है, तो 3.393 × 10⁻⁷ हो जाएगा, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या है क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 N इज रिक्वायर्ड। फोर्स देके रखा है 1 N, क्यू लगने वाला है, इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻²। एरिया देके रखा है एक मेटल प्लेट का, वो है 10⁻²। ओके, क्या है आगे, विथ वेलोसिटी, उसको कितने वेलोसिटी से मूव करना है, विथ वेलोसिटी 2 × 10⁻²/s, करेक्ट है। वेन इट रेस्ट ऑन लेयर ऑफ ऑयल, ऑयल का जो लेयर है उस पर रेस्ट कर रहा है वो, थिकनेस देके रखा है। अभी थिकनेस मतलब चलो मान लो dx बोलते हैं, इसको dv बोलते हैं, समझ में आ गया मेरे को, 1.5 × 10⁻³ m। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। देखो यहां पे क्या है, एक लेयर है ऑयल का, ये ऑयल का लेयर है मान लो, ये ऑयल का लेयर गिरा है और इस ऑयल के लेयर पे एक मेटल का प्लेट है। ठीक है, अभी इस मेटल के प्लेट को हमें आगे ढकेलना है, हॉरिजॉन्टली आगे ढकेलना है, तो आगे ढकेलने के लिए कितना फोर्स लगता है, 1 N। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो ऑयल का लेयर है इसके साथ भी टच, वो क्या करेगा, इस पे विस्कोसिटी वाला फोर्स लगाएगा,
विस्कोसिटी वाला फोर्स लगाएगा, इसके लिए वो जा नहीं पाएगा, तो आगे जो ऑयल, ये जो मेटल प्लेट है उसको आगे लेके जाने के लिए फोर्स लगता है। ठीक है, कितना वेलोसिटी से आगे लेके जाना है, इतना वेलोसिटी से। और ये जो जो लेयर मूव होने वाला है उसका डिस्टेंस कितना रहेगा स्टेशनरी लेयर से, तो इसको कितना डिनोट करते हैं, डीएक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। देखो इसमें तो और ज्यादा सिंपल है, जो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है या फिर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है जनरली ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। ठीक है, वेयर डीवी बाय डीएक्स इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी देके रखा है। ठीक है, डीवी और उसका थिकनेस भी देके रखा है ए, तो डीवी बाय डीएक्स आप निकाल सकते हो, करेक्ट है। ईटा निकालना है हम, ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, फोर्स अपॉन ए मल्टीप्लाई वाले डिवाइड पर आ जाएंगे, एरिया इंटू डीवी बाय डीएक्स। बस इसको सॉल्व करो, फोर्स की वैल्यू पुट करो 1 न्यूटन। ठीक है, एरिया कितना है 10^-2। ठीक है, इंटू डीवी, डीवी कितना है 2 × 10^-2। डीएक्स, डीएक्स कितना है 1.5 × 10^-3। क्या जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 × 10^-3 ऊपर आ जाएगा, ये क्या जाएगा 2 × 10^-4। कैसे, ये तो ऊपर आ गया 10^-2 10^-2 10^-4 टू एल रुपीज। ये क्या जाएगा फिर 1.5 × 10/2। कैसे, ये 10^-4 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा 10^-2 + 1 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा फिर 15/2, ये वापस क्या आ जाएगा 7.5। ठीक है, ये हो गया आपका ईटा, यही हमको निकालना था, आंसर आ गया 7.5। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई भी ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मैं लिखूंगा 7.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। चलिए अभी लेते हैं 14th नंबर का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्या देखा रखा है, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल। चलो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, इतना तो समझ में आएगा। ठीक है, विल एन एयर बबल 0.4 mm इन डायमीटर, डायमीटर देके रखा है 0.4 mm। ठीक है, अगर डायमीटर 0.4 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.2 mm। ठीक है, ये रेडियस, तो इज इक्वल टू, इसको और ठीक से लिखेंगे 2 × 10^-4 मीटर, करेक्ट है। चलो आगे बोलते हैं, विल राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1 newton second per meter square। अभी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, तो वो यूनिट होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो क्या देके रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देके रखा है 0.1 newton second per meter square। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। चलो अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिनोट करेंगे जो फॉर्मूला में भी लगेगा, सिग्मा देके रखा है 0.9, लेकिन इसका जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको हमें जो डेंसिटी की टर्म में अगर लिखना है तो हमें क्या करना होता है, ये बहुत जरूरी है, 10^3 से मल्टीप्लाई करिए और उसका यूनिट लिखिए kg per meter cube। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली टर्म कंफ्यूज कर देती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे डिनोट करोगे आप, सिग्मा से। क्या लिख रखा है 0.9, इसको अगर आपको डेंसिटी की टर्म में लिखना है तो उसको क्या करो, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 होता है तो 10^3 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, करेक्ट है। ये हो गया सिग्मा। और क्या देके रखा है, और देके रखा है डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर मतलब रो देके रखा है। ठीक है, वो क्या है 1.29 kg per meter cube। ठीक है, अभी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, या सिग्मा माइनस रो कर लेंगे हम। ठीक है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा होता है। ठीक है, तो रो कौन सा लेना, सिग्मा कौन सा लेना, ये दोनों भी डेंसिटी है, तो रो किसका डेंसिटी होता है मालूम है, जो बॉडी गिरती है या फिर जो बॉडी लिक्विड में राइज करेगी, इस केस में है ना लिक्विड में राइज करेगी, और लिक्विड में राइज करेगा ना तो आंसर हमें निगेटिव मिलेगा,
क्योंकि जब लिक्विड में कोई बॉडी राइज करती है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब ऊपर आ रही है, तो हमें अपना आंसर किस में मिलेगा, निगेटिव में मिलेगा, इसका आंसर निगेटिव में मिलेगा, ठीक है, अगर राइज हो रहा है तो। ये मतलब बॉडी का डेंसिटी, ये मतलब जिसमें जा रहा है, ठीक है। एयर बबल है तो एयर बबल ही एक बॉडी है, तो उसका डेंसिटी रो बताएंगे, और जिसमें जा रहा है, जिस फ्लूइड में फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड का जो है वो ये रहेगा सिग्मा, ठीक है, ये टाइम में रखना। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 बाय r² मतलब इसका स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, ये 10^-8 हो जाएगा, इंटू रो माइनस सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक से देखो, 1.29 माइनस, इसको देखो ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है, 0.9 × 10^3 करो, 900 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 900 लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये जो है g की वैल्यू कुछ दी है क्या उन्होंने, अगर नहीं दी होंगी तो हम 10 मान लेंगे, ठीक है, चलो दिया तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, g को 10 मान लेते हैं, g को 10 मान लेते हैं, अपॉन ईटा, ईटा कितना दिया है, 0.1, ठीक है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा, 2 × 4 × 8 × 10^-8, ये क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, करिए 900.00 - 1.29, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा वापस, 10 में से या फिर 9 में से 1 गया 8, और 9 898.71, तो यहाँ पे लिख दूंगा -898.71 × 10, ठीक है, अपॉन कितना जाएगा, ये 9 × 0.1, अभी क्या आ जाएगा, ये देखो ये 0.1 मतलब 10^-1, ये 10^-8, तो 10^-8 के साथ 10^-1 कट हो जाएगा, तो ये 10^-7 हो जाएगा, 10^-7 और वापस है 10, 10^-6 हो जाएगा, तो 8 × - आगे लेके आता हूं, 898.71 × 10^-6 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, पहले इससे डिवाइड कर देना, अच्छी बात यह है कि पहले इससे डिवाइड कर देना, ठीक है, इसको ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको इससे 9 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर आपका होगा -0.782 × 10^-, अगर इसका क्या हो गया, -3 आएगा, ठीक है, ये VT है तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, चेक करता हूँ 10^-3, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, चलिए 15th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 m/s, ठीक है, स्पीड दे के रखा है, वेलोसिटी मान लेते हैं 2 m/s, ठीक है, थ्रू पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 cm, इंटरनल डायमीटर दे के रखा है कुछ तो भी 10 cm, ठीक है। चलिए 10 cm को क्या लिख सकते हैं हम, 0.1 m, ठीक है, मीटर में करना जरूरी होता है। What should be the internal diameter of nozzle? मतलब नोजल का डायमीटर मान लो D2 निकालना है, ठीक है, ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल इज, और नोजल की यहाँ पे स्पीड बता के रखा है, तो चलो इसको V1 बोल देता हूं, इसको V2 बोल देता हूं, क्या है 4 m/s। चलिए ये कैसे करेंगे, यहाँ पे डायमीटर और वेलोसिटी का बात है, ठीक है, चलो ऐसा होगा, ये पाइप होगा, ठीक है, और आगे जाके नोजल होगा, ये आपका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ का इंटरनल डायमीटर का स्पीड बोल के रखा है मैंने 2 m/s, ठीक है, और यहाँ का स्पीड बोल के रखा है 4 m/s, यहां से ऐसा फ्लूइड आने वाला है। चलो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसमें कंसेप्ट लगेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या है, जितना वॉल्यूम अंदर जाना है उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा, तो 1 सेकंड में जितना अंदर घुसेगा 1 सेकंड में उतना बाहर निकल जाएगा, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट, और वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं हम, A1V1 = A2V2,
where A1 is the area of cross section at this point, A2 is the area of cross section at this point, velocity at this point, velocity at this point. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे? क्रॉस सेक्शन कौन सा है? सर्कुलर है. ठीक है, तो सर्कुलर यूज करेंगे. सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर. इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर की जगह पे डी बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय फोर भी लिख सकते हैं. करेक्ट है, तो चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं. पहले का एरिया कैसे? पाई डी वन स्क्वायर बाय फोर इंटू वी वन इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे अभी डायमीटर बदल जाएगा, डी टू स्क्वायर बाय फोर इंटू वी टू. चलो कट कर दो, जो जो करना है पाई पाई कट, इसका नीचे का फोर, नीचे का फोर कट. तो क्या जाएगा? देयरफॉर डी वन स्क्वायर इंटू वी वन इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर इंटू वी टू. वैल्यू पुट कर दो, हमें निकालना क्या है? डी टू निकालना है. चलिए तो इसमें से डी टू स्क्वायर पहले निकालते हैं. डी टू स्क्वायर कैसे निकलेगा? ये वी टू जो है वो इधर डिवाइड को आ जाएगा, डी वन स्क्वायर इंटू वी वन अपॉन वी टू. चलिए डी वन स्क्वायर मतलब पॉइंट वन का स्क्वायर, पॉइंट वन का स्क्वायर, वी वन है दो, वी टू है चार. वी वन 2 मीटर पर सेकंड, वी टू है 4 मीटर पर सेकंड. क्या हो जाएगा सीधे? इसको अगर ठीक से कैलकुलेट करोगे तो ये 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो हो जाएगा 0.5 इंटू ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर करो तो 10^-2 हो जाता है. करेक्ट है, 0.1 मतलब 10^-1, 10^-1 इंटू 10^-1, 10^-2 हो जाएगा. ठीक है, इसी को ठीक से लिखता हूं मैं, डी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अगर लिखा तो 10^-3, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 50 × 10^-4 लिख सकता हूँ. ठीक है, 5 लिखा तो 10^-5, 50 लिखा तो 10^-4. स्क्वेयर रूट जब निकालना होता है तो 10 की जो पावर होती है वो इवन लाने का ट्राई करना होता है. तो डी टू कैसे निकलेगा? अंडर रूट 50, और ये 10^-4 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा? 10^-4 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा 10^-2. अब ये अंडर रूट 50 कहां से ढूंढोगे? हमारे पास लॉग बुक होता है, लॉग बुक में एक पेज है जिसपे लिखा होगा स्क्वेयर रूट. ठीक है, स्क्वेयर रूट में जानेगा, कॉलम में देखेगा 50. ठीक है, 49 दिखेगा आपको, 49 के सामने 7.000 लिखा रहेगा, उसके नीचे 50 रहेगा, 50 के आगे आपको दिखेगा 7.07 और ये आगे का 10^-2. तो ये हो गया दूसरा डायमीटर, बस यही हमें आंसर निकालना था. डी टू कितना आया फिर? 7.07 इंटू 10^-2 मीटर. ठीक है, आंसर करेक्ट है. ओके, तो चलिए अभी करते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन. 16th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, क्या है? With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure? Gauge pressure मतलब pressure difference दिया है. ठीक है, gauge pressure का मतलब होता है pressure difference. ठीक है, तो pressure difference देके रखा है P1 - P2, इसको बोल लेते हैं. कितना है? 4 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर न्यूमेरिकल आप देखोगे तो इसमें टैंक दिख रहा है, टैंक के बाद में ओरिफिस बोला है, तो इसका मतलब क्या है? ये किस पे बेस्ड है? ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, उस पर डिपेंड है. ये टैंक है, टैंक में लिक्विड है. ठीक है, ये नीचे ओरिफिस है, यहां से लिक्विड बाहर आएगा. ठीक है, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर के बारे में बोल रहे हो. ठीक है, P1 P2 करेक्ट है. चलिए आगे क्या बोला है उन्होंने? बिफोर द फ्लो स्टार्ट डेंसिटी ऑफ वाटर दे के रखा है, रो इज इक्वल टू 1000 kg/m³. तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी बदलने वाला है, हमें निकालना क्या है? विथ वॉट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस. देखो क्या है, ये ओरिफिस बहुत छोटा होता है, ये ओरिफिस बहुत छोटा होता है और टैंक का एरिया बहुत बड़ा होता है. एक कंसेप्ट आप जान लो, जब ये ओरिफिस बहुत छोटा होगा ना, तो ये टैंक एकदम धीरे 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 धीरे, इस टैंक का जो लिक्विड है वो एकदम धीरे 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 नीचे आएगा, क्योंकि इसमें से जो वाटर निकलने वाला है वो होल या ओरिफिस छोटा होने के कारण कम वाटर बाहर निकलेगा और उसी तरह से ये कम कम वाटर नीचे आएगा. तो यहां से नीचे आने वाली वेलोसिटी जो होती है वो V1 मानते हैं, यहां से जो जाता है उसको V2 मानते हैं. V1 जो होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, V1 जो होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला है.
वी टू बहुत ज्यादा, तो वी वन कभी कभी हम जीरो से भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, हमें पूछा है कि लिक्विड कितने वेलोसिटी से बाहर आएगा, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। ये किसका है, टॉली से भी का फॉर्मूला है। ठीक है, टॉली से भी का फॉर्मूला बोलता है, मैंने डायरेक्ट अंडर रूट टू जी एच क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया का रेशो नहीं दिया है। ठीक है, एरिया का रेशो नहीं देते हैं तो डायरेक्ट अंडर रूट टू जी एच फॉर्मूला यूज करना होता है, लेकिन हमें हाइट भी तो नहीं मालूम है। ठीक है, जी तो मालूम है, हाइट नहीं दिया है, हाइट निकालने का अलग तरीका है नहीं हमारे पास, तो अभी हाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा वो जो टोरिसेली लॉ है या फिर जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है उसके अंदर के फॉर्मूले ढूंढने होंगे। तो अंदर के फॉर्मूले कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए देखो क्या है, चलिए ट्राई करते हैं। जो प्रेशर डिफरेंस होता है पी वन माइनस पी टू वो दे के रखा है, ठीक है, उसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, उन दोनों में कुछ ना कुछ प्रेशर का डिफरेंस होगा, वो कितना होता है रो जी एच, रो दे के रखा है, पी वन माइनस पी टू दे के रखा है, चलो पुट करो वैल्यू, टेन रेस टू माइनस सॉरी टेन रेस टू प्लस फाइव, रो दे के रखा है 1000 इंटू जी एच। ठीक है, तो देखो ये 1000 मतलब 10 रेस टू 3, ये 10 रेस टू 5, तो यहाँ पे क्या बचा 10 रेस टू 2 इज इक्वल टू जी एच, हमें क्या लगने वाला है 2 जी एच, तो दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जी एच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 रेस टू 2। ठीक है, वेलोसिटी निकालने का है अंडर रूट 2 जी एच, 2 जी एच की वैल्यू डायरेक्ट मिली हमें 8 इंटू 10 रेस टू 2, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 10 रेस टू 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 और 8 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर मतलब 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, अंडर रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको, करेक्ट है, कैसे 8 को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 2, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा और बीच का 2 उधर ही लटक जाएगा इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू ध्यान में होना चाहिए वो होती है 1.414 इंटू 2। इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, 10 है तो ये 14 हो जाएगा, 14.8282 और 10 के कारण 28.28 हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो कितने वेलोसिटी से बाहर आएगा, इतनी वेलोसिटी से 28.28 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से यहां से क्या आएगा ओरिफिस से लिक्विड बाहर आने वाला है। ठीक है, दिया नहीं था तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से जी एच निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 जी एच हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला उसमें डाल दो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 16th नंबर का क्वेश्चन, अभी करते हैं 17th नंबर। चलो चलो दोस्तों 17th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, दिया है द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड क्लोज्ड पाइप, एक पाइप है जो क्लोज्ड है दोनों साइड से, यहां से भी क्लोज है और यहां से भी क्लोज है, अंदर का प्रेशर देके रखा है कितना है, उसको मैं P1 बोल देता हूं, P1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेस टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू मतलब ये प्रेशर कम हो जाता है, कहां तक रिड्यूसेस टू मतलब कहां तक कम हो जाता है, वो कम हो जाता है यहां तक 2 इंटू 10 रेस टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ऐसा कब होगा, ऑन ओपनिंग द वॉल ऑफ द पाइप, यहां पे आगे वॉल लगाऊंगा, ठीक है, वो घुमाते हैं तो यहां से लिक्विड बहना चालू हो जाएगा, तो लिक्विड को वेलोसिटी मिल जाएगी, अगर लिक्विड को वेलोसिटी मिल जाएगी तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वॉल खोलने के बाद प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वॉटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप, बस फिर वही है कि कितने स्पीड से वाटर फ्लो होने वाला है। ठीक है, डेंसिटी देके रखा है वाटर का, वो है 1000 kg पर मीटर। चलिए शुरू में ठीक से अगर न्यूमेरिकल को पढ़ो तो क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप में लिक्विड फ्लो थोड़ी ना होगा। ठीक है, क्लोज्ड पाइप में लिक्विड फ्लो नहीं होगा, उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी पहला कितना हो जाएगा 0, एज इन क्लोज्ड पाइप, उसकी वजह से क्लोज पाइप के अंदर लिक्विड ऐसा फ्लो नहीं हो सकता, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लो v1 0 मान लो। ठीक है, वॉल ओपन करने के बाद लिक्विड फ्लो होगा, तो वॉल ओपन करने के बाद जो वेलोसिटी निकलेगी उसको मान लेते हैं v2, तो हमें क्या निकालना है v2 निकालना है। ठीक है,
तो चलिए फॉर्मूला कैसे, और इसमें कौन सा लगेगा, वेंचुरी मीटर का, ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा रहेगा, वेंचुरी मीटर का, ठीक है। फ्लो होने लग जाएगा लिक्विड, तो अपने आप प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर हम ढूंढने जाए वेंचुरी मीटर में, तो हमें मिलेगा P1 - P2 = 1/2 rho। ये कब मिलता है, जब वेंचुरी मीटर सॉल्व करते हैं, तो वो होता है P2² - V1² ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमको। P1 - P2 करो 3 - 2 × 10⁵, क्या होगा 3 × 10⁵ - 2 × 10⁵, तो 10⁵ है वो कॉमन निकल जाएगा, और 3 - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 1/2, रो कितना है 1000, मतलब 10⁻³ V2², क्योंकि V1² तो क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10⁵ = 1/2 × 10⁻³ × V2², ये 2 इधर आ जाएगा, देयरफॉर 2 × 10⁵ = 10⁻³ × V2² सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा 2 × 10⁻² = V2² कैसे, यहाँ पे 10⁻³ है, इधर नीचे डिवाइड पाएगा, तो 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट डाल दो, स्क्वेयर रूट डाल देंगे तो क्या जाएगा √2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10⁻² का स्क्वेयर रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, √2 की वैल्यू ध्यान में रखो 1.414 × 10, तो हो जाएगा 14.14, ये हो जाएगा V2 मीटर पर सेकंड। तो वॉल खोलने के बाद लिक्विड या फ्लूइड कितने वेलोसिटी से फ्लो करने लग जाएगा, 14.14 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से फ्लो करने लग जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 से आगे तक के न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।